पूरे देश के साथ साथ गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को एक बार फिर गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं, लेकिन एक पहलू ज्यादा दर्दनाक है। गाजीपुर जिले का एक 6 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा एक 13 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित है। इतना ही नहीं, एक और कोरोना संक्रमित किशोरी की उम्र तो महज 17 साल ही है। सोमवार को गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले मिले। इससे पहले रविवार को भी एक मरीज मिला था। हालांकि गाजीपुर के लिए इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि 11 कोरोना संक्रमित मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में आ गए हैं और उन्हें बनारस से वापस गाजीपुर लाया जा रहा है। इस हिसाब से गाजीपुर में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या 65 है। आइए आपको बताते हैं कि गाजीपुर में सोमवार को जो 8 नए मरीज मिले हैं वो कहां कहां के रहने वाले हैं। एक मरीज लोलहा, सिंगारपुर, खानपुर, सैदपुर का है। वहीं दूसरा मरीज हुरमुजपुर, सादात का है। एक मरीज नरायनापुर, करंडा, 2 हैदरगंज, मर्दा से और 3 कोरोना संक्रमित मरीज गठिया, नोनहरा, कासिमाबाद से हैं। गठिया में मिले 3 कोरोना संक्रमितों में वो बच्चा और किशोरी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि केवल गाजीपुर ही नहीं बल्कि प्रवासी कामगारों के आने के बाद पूरे यूपी में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़े हैं। हमारी टीम आपसे अपील करती है कि इस महामारी के काल में अकेले सरकार की कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं। हम सभी को जुटना पड़ेगा। यदि आप बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1075 टोल फ्री पर कॉल करें और अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। गाजीपुर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।